गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ नाइन्थ क्लास आज हम लोग चैप्टर लीनियर वेरिएबल्स को कंटिन्यू करेंगे आज हम लोग इक्वेशन्स ऑफ द लाइन पैरल टू द एक्स एंड वाई एक्सिस सीखेंगे पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ द लाइन्स पैरल टू द एक्स एंड एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस वी नो दैट ऑन द एक्स एक्सिस द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ़ एवरी पॉइंट इज जीरो ये हम लोग पहले से जानते हैं कि एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट ज़ीरो होता है या हम लोग कह सकते हैं ईच पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म एक्स ज़ीरो यानी ये फॉर्म हो सकता है उसका उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दोनों कोऑर्डिनेट अगर लिखेंगे तो x जीरो लिखा जाएगा वी कैन एक्सप्रेस y इज ईक्ल टू ज़ीरोज़ ज़ीरो इंटू एक्स प्लस वन इंटू वाई इज ईक्ल टू ज़ीरो इस इस वन वेरिएबल के इक्वेशन को टू वेरिएबल्स में कन्वर्ट करने से देखिए ये हो जाएगा जीरो जीरो इंटू एक्स प्लस वन इंटू वाई दिस इज़ कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस आप वाई इज इक्वल टू ज़ीरो को भी इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस कह सकते हैं या ज़ीरो इंटू एक्स उसी का दूसरा फॉर्म है जीरो इंटू एक्स प्लस वन इंटू वाई इज ईक्वल टू जीरो ये एक्स एक्सिस का इक्वेशन कहलाएगा इसी तरह से एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो और वन इंटू एक्स प्लस जीरो इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस तो हम लोगों ने सीख लिया कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का क्या इक्वेशन होता है ना वी टेक एन इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू थ्री विच कैन बी रिटर्न एज वन इंटू एक्स प्लस जीरो इंटू वाई इज इक्वल टू थ्री इसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि एक्स का वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट है लेकिन इस टू वेरिएबल्स का जो इक्वेशन जब फॉर्म कर रहे हैं तो इसमें इट विल हैव इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन इसलिए कि वाई का वैल्यू वन हो सकता है टू हो सकता है माइनस वन हो सकता है माइनस टू हो सकता है एंड सो ऑन या एनी रियल वैल्यू हो सकता है वाई का जब इसको आप प्लॉट करेंगे ग्राफ पे दिखाएंगे तो देखिए आप ए बी रिप्रजेंट कर रहा है एक्स इज एकवल टू थ्री को जो कि आप देख रहे हैं कि वो वाई एक्सिस के पैरेलल हैं यानी एक्स इज इक्वल टू थ्री जब ग्राफ से रिप्रेजेंट होगा तो वो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा इसी तरह से अगर हमारे पास दूसरा इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू फाइव इसे हम लोग ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय ए लाइन जो कि एक्स एक्सिस से पैरेलल होगी यानी अगर हम लोग वाई इज इक्वल टू फाइव का ग्राफ खींचेंगे तो एक्स के पैरेलल लाइन हमें मिलेगी अब कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं जैसे सॉल्व द इक्वेशन थ्री एक्स प्लस टू इज इज़ इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री एंड रिप्रजेंट दिस दोल्यूशन इन वन वेरिएबल वन वेरिएबल को ही हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रजेंट करते हैं और टू वेरिएबल्स जो है वो कार्टीज इन प्लेन में रिप्रेजेंट होता है तो आते हैं आगे बढ़ते हैं हम लोग थ्री एक्स प्लस टू इज ईक्ल टू टू एक्स माइनस थ्री को पहले सोल्व करेंगे सोल्व करने से एक्स का वैल्यू माइनस फाइव आ रहा है अब नंबर लाइन पर जब रिप्रेजेंट करना है तो आप नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए नंबर लाइन को का स्केल बताइए इसमें वन टू थ्री फोर फाइव इधर है जीरो से लेफ्ट जाइएगा तो नेगेटिव हो जाएगा तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि ये नंबर लाइन पर माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव इस तरह से रिप्रेजेंट हो सकता है इसको अगर हम लोग एक्स इज ईक्ल टू माइनस फाइव को टू वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट करना है तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ए बी वो लाइन है जो एक्स इज ईक्ल टू माइनस फाइव को रिप्रेजेंट कर रही है ग्राफ पे इसमें हर एक में हम देख रहे हैं कि एक्स का वैल्यू माइनस फाइव तो कांस्टेंट है हर बार लेकिन वाई का वैल्यू देखिए ये वैरी कर रहा है हर कुछ भी हो सकता है वैल्यू ये तो इस तरह से वी हैव गॉट अ लाइन ए बी विच रिप्रेजेंट एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव एंड विच इज़ पैरल टू वाई एक्सिस दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव इन टू वेरिएबल्स और इन कार्टीज प्लेन आज का होमवर्क आपका एक्सरसाइज फोर पॉइंट फोर क्वेश्चन नंबर वन एंड क्वेश्चन नंबर टू एक्सरसाइज फोर पॉइंट फोर इसमें दो ही क्वेश्चन हैं दोनों सॉल्व करना है आपको दैट्स ऑल फॉर टू क्लास थैंक यू